सरगुजा पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र की लहंगा में बुधवार की दरमियान रात में 10 साल के बच्चे सहित 3 लोगों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। इस घटना से आसपास हड़कंप मच गया था। वहीं जिले में हत्या की इतनी बड़ी वारदात होने के बाद SP एडिशनल SP सहित FSL फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची थी, जिनकी टीम ने घटना के 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उदयपुर थाना क्षेत्र की ग्राम लहंगा में 28 वर्षीय कलावती और उसका 10 वर्षीय बेटा चंद्रिका और 55 साल के ससुर की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में आरोपी मृतिका का पड़ोसी ही निकला, जो मृतिका से अवैध संबंध स्थापित करना चाहता था, जिसका विरोध करने पर आरोपी पड़ोसी अरविंद सीदार 8 सितंबर की दरमियान रात में पूरी प्लानिंग वे साथ मृतिका के घर में घुसा और मृतिका पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे बगल में सो रहा कलावती का बेटा जाग गया। उस पर भी आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे बच्चा डरकर भागने लगा और घर से 25 किलोमीटर दूर पर जाकर गिरा और चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर आरोपी अरविंद सिदार ने बच्चे का गला काट दिया। इसी दौरान आवाज सुनकर मृतिका का ससुर 55 वर्षीय मेघूराम वहां पहुंच गया। आरोपी ने उसे भी नहीं बख्शा और गला काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद कपड़े और मृतिका का मोबाइल जलाकर गाड़ दिया और हत्या में उपयोग किया हुआ चाकू अपने घर के पास धान के खेत में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सक्रिय रहे पुलिस टीम को SP ने इनाम देने की घोषणा की है। 3 मृतक पाए गए थे, उसमें सबसे कलावती सिरदार वो महिला थी, उसके ससुर जो है उनका नाम मेघुराम सिरदार था और उस कलावती का बेटा चंद्रिका सिरदार था। तो हमने घटनास्थल पे जाके तुरंत हमारी जो विवेचना थी वो शुरू कर दी थी। वहाँ जाके हमने जितने भी संदिग्ध लोग थे उनसे विवेचना पूछताछ शुरू किया। पूछताछ में के दौरान हम लोगों को ये समझ में आया कि अरविंद सिरदार उर्फ अरविंद बिंजिया, ये व्यक्ति जो है इस महिला के साथ कलावती के साथ में प्रेम संबंध बनाने के लिए उत्सुक था, पर कलावती के द्वारा इससे बार बार इनकार करने की वजह से वो काफ़ी आहत था। उसने पूर्व में सोच समझ के षड्यंत्र बना के उसने सोच के रात को वो उसके घर में गया। घर में जाके जब उसने दरवाज़ा खोला उसके ऊपर उसने धारदार चाकू से उसके ऊपर में चाकूनुमा शस्त्र से उसके ऊपर हमला किया। हमले के आवाज़ की वजह से जो भी उन दोनों के बीच में झड़प हुई उसके वजह से कलावती का बेटा जो था वो जग गया। उसको भी ऊपर में जो आरोपी है अरविंद सिरदार उर्फ अरविंद गिंजिया उसने उसके ऊपर भी हमला किया। बहुत आवाज़ होने के वजह से जो उसका ससुर था मेघुराम सिरदार जो बाजू के घर में ही रहता था वो दौड़ के आया। दौड़ के आने के बाद उसको दिखा कि ये जो अरविंद बिंजिया है ये जा रहा था, उसके ऊपर भी उसने हमला कर दिया और उसको वहाँ पे ही मार दिया। कलावती का बेटा जो था वो थोड़ा दूर जाके गिरा हुआ था, उसको उसने देखा, उसको ऐसे लगा कि ये मुझे पहचान लेगा कि इसने जो है उसके माँ को मारा है, उसी वजह से उसने उसके ऊपर भी हमला कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया।